नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सचना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले आज राज्य की 90 सीटों पर मतदान शुरू हो गया। राज्य के 19 जिलों में आने वाली इन सीटों पर 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले फेज में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। पहले फेज की कुल 90 सीटों में से भाजपा के पास सबसे ज्यादा 58, कांग्रेस के पास 26 और बीटीपी के पास 2, एनसीपी के पास 1 सीट है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। क्रूड ऑयल की कीमतें बुधवार को $81 से नीचे आ गई, जो जनवरी से निचले स्तर पर है। अमेरिकी क्रूड भी $74 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। इससे तेल कंपनियों को प्रति बैरल ₹245 की बचत हो रही है। अब माना जा रहा है कि क्रूड के दाम में गिरावट की वजह से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में ₹14 तक की कमी आ सकती है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का सुबह नार्को टैक्स से हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस आफ्ताब को लेकर के रोहिणी के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल पहुंच गई। टेस्ट में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसकी परमिशन भी दे दी। जयपुर नगर निगम में दोनों मेयर अब आमने सामने हो गई। उनका ये विवाद जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के चेयरमैन पद को लेकर के शुरू हुआ। मंगलवार को नगर निगम ग्रेटर की कार्यकारी समिति की बैठक में चेयरमैन बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। उसे सरकार के पास भिजवाने के लिए चर्चा भी की गई। ग्रेटर मेयर के इस कदम के बाद अब हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर ने चेयरमैन बनाने के लिए अपनी दावेदारी जताते हुए जल्द प्रस्ताव सरकार को भिजवाने की बात कही। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच समझौता और सहमति नहीं हो सकी। वहीं दोनों के बीच में वार्ता नहीं हुई। इससे पहले 2 दिन चली बैठकों में 77 मांगों पर सहमति बन चुकी। आज शाम 5 बजे जयपुर के सहकार मार्ग स्थित RSEB गेस्ट हाउस में फिर से सरकार ने गुर्जर प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया था, जो अब गुरुवार यानी आज होगी। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।